रामनवमी पर शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी बुधवार को प्रभावित इलाकों में पहुंचकर महिलाओं, बुजुर्गों, युवकों और सभी रहवासियों से रूबरू हुई। कलेक्टर ने ढांढस बंधाते हुए कहा कि प्रशासन का हर अधिकारी शांति व्यवस्था बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। प्रभावित इलाकों में रहवासियों की सुविधा के लिए कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने कहा, दीवारों पर हेल्पलाइन नंबर चस्पा किए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही इन इलाकों में अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे। इनके अलावा प्रभावित इलाकों व मोहल्लों के दो दो निवासियों के नंबर लेकर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाएंगे, जिससे आपकी संवाद और वस्तु स्थिति का पता लगाया जा सके और अफवाहों पर नजर रखी जा सके। प्रॉपर्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। प्रभावित इलाकों में संवाद के लिए पहुंची कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने करीब 50 से अधिक महिलाओं से रूबरू हुई। महिलाओं ने कहा कि हमारी पूरी संपत्ति यहां है, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अभी कई मकान जल जाने के कारण रिश्तेदारों के घर गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन आप सभी के साथ है, अभी सर्वे प्रारंभ कर दिया है। जिनके मकान जल गए या टूटे हैं, उनके लिए सर्वे के बाद सहायता राशि दी जाएगी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी बुधवार सुबह 11 बजे से प्रभावित इलाकों में पहुंची। इस दौरान उन्होंने भावसार मोहल्ला, सिद्धनाथ मंदिर के पीछे के क्षेत्र, संजय नगर, तवड़ी मोहल्ला आदि स्थानों में पहुंची। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।